सिखों के सातवें गुरु गुरु हर राय जी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हम सिखों के 10 गुरुओं के बारे में एक पूरा का पूरा सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हम सिख गुरुओं के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। 6 गुरुओं के बारे में हमने जो वीडियो बनाई है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फटाफट मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा ये चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। सिखों के सातवें गुरु गुरु हर राय जी जनवरी 1630 में पंजाब के कीरतपुर साहिब में पैदा हुए। गुरु राय के पिता बाबा गुरदीता जी थे, जो छठे गुरु गुरु हर गोविंद जी के पुत्र थे। गुरु हर गोविंद साहिब जी ने जब संसार छोड़ा तो उसके पहले ही अपने पोते हर राय जी को 14 साल की उम्र में ही 3 मार्च 1644 को सप्तम नानक के तौर पर यानी कि सातवें गुरु के तौर पर घोषित किया और वे 6 अक्टूबर 1661 तक इस पद पर बने रहे। गुरु पद पर रहते हुए गुरु हर राय जी ने फिर से अपने दादा गुरु हर गोविंद जी के बनाए सिख योद्धाओं के दल को एकजुट किया, संगठित किया, उनमें बल भरा, उनमें शक्ति भरी। गुरु हर राय साहिब जी की शादी उत्तर प्रदेश के अनूप शहर के रहने वाले श्री दयाराम जी की बेटी किशन कौर जी से कराई गई और गुरु हर राय जी साहिब जी के 2 बेटे हुए, राम राय जी और गुरु हर किशन साहिब जी। कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब का जो भाई था दारा शिकाहो, उसकी विद्रोह में गुरु हर राय जी ने उसकी हेल्प की थी, उसकी सहायता की थी। और इस बारे में सफाई के लिए जब औरंगजेब ने गुरु हर राय जी को बुलाया अपने दरबार में, तो उन्होंने अपने बेटे बाबा राम राय जी को भेज दिया अपने प्रतिनिधि के तौर पर, अपना रिप्रेजेंटेटर बनाकर। बाबा राम राय जी ने वहां अपने पिता की तरफ से सफाई दी। एक किस्सा ये भी आता है, एक बार किसी अनजान बीमारी से दारा शिकोह ग्रस्त था, तब गुरु हर राय जी ने ही उनकी मदद कर उनकी जान बचाई। वहीं दूसरी तरफ गुरु हर राय जी ने अपने दूसरे पुत्र हरि किशन जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रूपनगर में 20 अक्टूबर 1661 को गुरु हर राय जी ने संसार त्याग दिया। आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी महापुरुष के तौर पर गुरु जी की पहचान आज भी बनी हुई है और एक कुशल योद्धा के तौर पर उनको आज भी पहचाना जाता है। सिख जो जितने भी सिख हैं उनकी एक अलग तरह की आस्था गुरुजी से बनी रहती है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही।